अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। कीर्ति राणा ने जारी किया वचननामा, एपीएमसी के संपूर्ण विकास का दिलाया भरोसा, व्यापारियों ने कहा हम साथ हैं। कीर्ति भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। व्यापारी संघ चुनाव के कद्दावर प्रत्याशी कीर्ति राणा ने एपीएमसी के समग्र विकास के लिए भारी बहुमत से चुनाव जिताने की अपील की है। चुनाव चिन्ह नारियल के साथ प्रचार अभियान में जुटे कीर्ति राणा ने मंगलवार को उपलब्धियों और विकास कार्यक्रमों का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि 30 साल पुरानी एपीएमसी और व्यापारियों का उत्थान हमारा लक्ष्य है। उन्होंने वोटरों से वचननामा दिखाते हुए मार्केट के हित में मतदान करने और विजय दिलाने का आह्वान किया। हमें हमारे काम पर विश्वास है, हम लोगों के पास हमने किए हुए जो अचीवमेंट है और आने वाले दिनों में हमारी जो विज़न है, जो सुवर्ण योजनाएं हैं, वो योजनाओं के साथ आज हमने हमारे मैनिफेस्टो का हमारे आदरणीय वडील श्री अमृतलाल जी पंड्या के हाथ से इनका इनोग्रेशन किया। श्रीफल गणपति जी के स्मरण से शुरू करके मार्केट के अंदर आज हमारे मैनिफेस्टो के अंदर जो विज़न है हमारा, जो हमने अचीवमेंट किया है, ये सारा लोगों को पहुंचाने का काम शुरू किया है। आप देख सकते हैं कि ये जो मैनिफेस्टो है, ये सही में वचननामा है और वचन पूर्ति है। आज करीबन भविष्य की जो सुवर्ण योजना है, वो करीबन 30 मुद्दे है, एक से एक बहुत बड़े इम्पोर्टेंट मुद्दे है। हमारी पीढ़ी, हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य को देखकर, मार्केट का व्यापार का विकास देखकर, मार्केट की हर कोई समस्या को सुलझाने के लिए और बेहतरीन दिन आए, अच्छे दिन रहे, हरे भरे दिन रहे, इसके लिए ये सुवर्ण योजना का मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया है, जिसमें अपनी भविष्य की सुवर्ण योजना, मार्केट परिवारों का लोकप्रिय कीर्ति भाई राणा ने अपने समय में सफलता जो मिली उसके मुद्दे और उसके ब्यौरे आप डाले हुए हैं। और हमारे साथ जो जो वोटर्स है, उस वोटर्स के लिए बेहतरीन एक वोटर्स कार्ड बनाया है कि मार्केट के भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए अपनी मार्केट का विकास, मार्केट की सोई सुविधा के लिए हमें आपसे कीमती पवित्र वोट लेने के लिए आज हम दुकान दुकान पर जाते हैं, ग्राहकों को मिलते हैं,
व्यापारियों को मिलते हैं, दलाल भाइयों को मिलते हैं, हमारे माथाड़ी कामगार भाइयों को मिलते हैं, सिक्योरिटी को मिलते हैं, सारी लोगों को मिलते हैं। हमारे प्रचंड सब संकल्प के साथ लोगों की आशीर्वाद लेने को, लोगों की शुभेच्छा लेने को हमने प्रचार यात्रा शुरू रखी है। अब गिने चुने दिन बाकी है, हम कोशिश करते हैं कि हमारे सभी लोगों को मिल सके। हमारे इस विज़न के द्वारा, टीवी समाचार के द्वारा आप तक पहुंचने के लिए हमने इस निस्वार्थ भाव से जो जो सेवा की है वो आपके समक्ष मैनिफेस्टो में रखा है, और आगे वाले दिनों में और भी काम बढ़िया होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। और सबसे बढ़िया काम कि नियमन अगर निकल जाता है तो वो हमारी डिमांड है, हमारी चैम्बर की डिमांड है। कहीं चीज़ों पे, जैसे काजू पे, खजूर पे, घी पे जीरो करने की आवश्यकता है, जीरो हो जाए, नियमन निकल जाता है तो उसमें कोई घबराने की ज़रूर नहीं है। मेंटेनेंस चार्ज लगेगा, GST भरा जाता है, उसमें से अनुदान मिल सकता है, महापालिका मुंबई को ऑक्ट्रॉय के बदले GST मिलता है तो ये भी मिल सकता है। तो काफ़ी सारी बातें ऐसी है, FSI के बारे में भी टेंशन नहीं है, मंजूरी के बारे में टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास 85 से लेकर सारे कागजात है। तो ये परिस्थिति के अंदर हमें बड़ी सक्षमता से सारे काम करना है। तो मैं फिर से एक बार आप सभी को प्रार्थना करता हूँ कि आपका पवित्र वोट, श्रीफल हमारा चिन्ह है, श्रीफल पर देकर आप सभी हमें वोट देने की कृपा करें। वहीं व्यापारियों ने खुले तौर पर उम्मीदवार कीर्ति राणा के पक्ष में बोलते हुए कहा कि हमें ऐसा ही व्यापारी प्रतिनिधि चाहिए जो हर दुख सुख में व्यापारियों के साथ रहता है। उन्होंने कहा कि सही मायने में जब भी कीर्ति राणा ने प्रतिनिधित्व किया है, APMC और मार्केट का विकास हुआ है और समस्याओं का समाधान हुआ है। कीर्ति भाई को आज हम काफी समय से उनको जानते हैं और उनका बहुत सहकार रहता है, और हमारे कोई भी ये मार्केट में कुछ भी समस्या आई तो हम कीर्ति भाई से कभी भी, हमने उनसे कुछ भी सहयोग मांगा है तो उन्होंने कभी तत्पर, ऐसे तत्पर रहते हैं कि दौड़ के सीधे आ जाते हैं, और हमेशा कोई भी काम में हो, चाहे मार्केट का हो, मार्केट से संबंधित बाहर का हो, तो कहीं भी कभी भी उनको कुछ भी कहेंगे तो हमेशा वो तत्पर रहते हैं, और व्यापारी से पूरा सहयोग की, मतलब व्यापारी उनसे सहयोग की उम्मीद रखता तो है लेकिन वो पूरी करते भी हैं, और उनसे जितना बनता है वो हमेशा सहयोग करते रहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि कीर्ति भाई को और आप प्रोत्साहन दें, हिम्मत दें, आगे बढ़ाएं, ताकि वो और सब जगह ऐसा ही सबको और भी मार्केट में इससे और ज़्यादा अच्छा काम करने की हिम्मत आवे और भगवान उनको बहुत तरक्की दे और शक्ति दे। बोलो कीर्ति भाई, वोट फॉर कीर्ति भाई। मेरे सब व्यापारी मित्रों को, ये जो 5 मार्केट यहाँ पे जब से शिफ्ट हुई है उसके बाद में कीर्ति भाई राणा जब से यहाँ पे नवी मुंबई APMC के डायरेक्टर पहले भी बने थे और बाद में नवी मुंबई मर्चेंट चैम्बर के चेयरमैन होके बैठे हैं, जितना भी काम इन्होंने किया है उतना अब तक मुझे याद नहीं है कि और किसी ने किया होगा। व्यापारी सब भाइयों के इंटरेस्ट में है कि कीर्ति भाई राणा के साथ में उनका साथ देवे, उनको वोट देवे, उनको जितावे, तो अपने मार्केट का, उनका जो विज़न है जो सब व्यापारियों का भला हो सकता है उसमें सबको साथ सहयोग देना चाहिए, वो मुझे, मैं मानता हूँ। में कीर्ति भाई राणा ने हमको नया से सिखाया है, सब 1 से 2 सिखाया है, तो 1 से 5 हम ला के देगा, हम, ये हमारा आशीर्वाद है, भले छोटा है पर हम देगा। कीर्ति भाई एक ऐसा लीडर है कि वो कभी भी रात को बुलाओ तो रात को हाजिर रहता है, दिन को बुलाओ तो दिन को हाजिर रहता है। वो आदमी ने बहुत काम किया है अपना मार्केट के लिए, उसको अभी जो सिचुएशन है उसमें उसका ही टाइप का आदमी की ज़रूरत है, और उसको अपन जिताना चाहिए, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। और करीबन सब व्यापारी समझ रहे हैं, बोले या ना बोले, मगर उनका मन में वो ही है, तो मेहरबानी करके कीर्ति राणा को वोट करो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।